मैं 12 सितंबर 2022 को दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को मिला था। मैंने उनको जानकारी दी कि 2015 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाया गया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली से जो बाहर के अन्य राज्य हैं सैकड़ों करोड़ रुपया अपने चेहरे को चमकाने पर खर्च कर रही है। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, इनके मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली की सरकार विज्ञापन पर 11 करोड़ 18 लाख रुपया खर्च करती थी। 2012 और 2013 की मैं बात कर रहा हूं, और इस साल तो अरविंद केजरीवाल की सरकार 675 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 7 सालों में 2000 करोड़ से ज्यादा दिल्ली सरकार के खजाने से, दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा अपने प्रचार पर लुटाया है। यदि ये पैसा दिल्ली में नए स्कूल्स की बिल्डिंग्स के ऊपर खर्च किया जाता, या दिल्ली में नए हॉस्पिटल्स अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा बनाए जाते, या डीटीसी के लिए बसें खरीदी जाती, तो मैं कह सकता हूं कि इस पैसे से सैकड़ों नए स्कूल खुल सकते थे, दर्जनों हॉस्पिटल खुल सकते थे और 1000 से ज्यादा डीटीसी की बसें खरीदी जा सकती थी। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विज्ञापन का घोटाला साबित होगा। ये मामला संविधान बेंच के सामने है, और मैं समझता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी मर्यादा का पालन करना चाहिए। मैं जानता हूं कि ये जो वर्तमान केंद्र सरकार है वो भी, और जो अरविंद केजरीवाल जी वो भी, दोनों का करिश्मा जो है एडवर्टीजमेंट पे ही टिका हुआ है। ये तो एडवर्टीजमेंट जीवी हैं, ये तो बल्कि एडवर्टीजमेंट प्रचार तंत्र से के ऊपर से, उसकी कोख से पैदा हुए दोनों हैं, चाहे वो केंद्र के नेता हों या दिल्ली के केजरीवाल साहब हों। देखिए, ये एक आम आदमी पार्टी ने करोड़ों रुपए के अपनी पार्टी के प्रचार के लिए सरकार के खजाने का इस्तेमाल किया। इसके ऊपर एक कमेटी बनी थी, कमेटी ने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में बड़ा स्पष्ट हुआ कि 15-16 में ये जो पैसा था ये इनकी पार्टी के प्रचार के लिए सरकार के खजाने से खर्च किया गया। तो एलजी साहब ने आके खुद कुछ नहीं किया, वही रिपोर्ट जो है जो अभी तक पेंडिंग चलती आ रही थी उस रिपोर्ट के ऊपर काम किया है। और मैं मानता हूँ ये 97 करोड़ रुपया तो पुरानी रिपोर्ट का है। अगर आप 2022 तक का इनका वाइट पेपर इशू करने को कहेंगे तो मेरा मानना है कि कम से कम 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा ऐसा पैसा है जो आम आदमी पार्टी से वसूलना बनेगा, जो उन्होंने सरकार का पैसा, खजाने का पैसा अपनी पार्टी के लिए और अपने प्रचार के लिए खर्च किया है। तो 97 करोड़ रुपया जो है इसके अलावा भी बहुत सारा और पंजाब से भी बहुत सारा है। मैं धन्यवाद करता हूँ एलजी साहब का, कम से कम आज देश के लोगों को ये तो पता लगा कि आम आदमी पार्टी करप्ट ही, बेईमानी और करप्ट ही नहीं है ना, शराब घोटाला, बस घोटाला और बिजली घोटाले के पैसे ही नहीं खाती, स्कूल घोटाले का पैसा ही नहीं खाती, बल्कि खजाने में से भी अपने प्रचार के लिए पैसा लगाती है, ये सबके सामने है। देखिए, अगर इतनी सिंपल सी बात है कि आप अगर दिल्ली के सरकार का पैसा अपनी पार्टी के प्रमोशन के लिए, कोई भी नहीं दे सकता, ना केवल दिल्ली में बल्कि देश में किसी राज्य में कोई भी पार्टी की सरकार चल रही है, तो आप जो वहाँ की जनता का टैक्स का पैसा है उस पैसे से आप अपने पार्टी को कैसे आगे प्रमोट करने का काम कर सकते हैं। तो हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने जो ये आदेश दिया है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि ऐसे ऐसे कोई भी सरकार हमारे टैक्स के पैसों को अपने पार्टी के प्रमोशन में खर्च नहीं कर सकती है, तो उन्होंने उसी आदेश को संज्ञान लेते हुए अपना आदेश दिया है। और हमारे उपराज्यपाल महोदय, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, वो दिल्ली के संविधान के रक्षक हैं,
उनकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है, तो उनकी रक्षा कर रहे हैं। और चाहे वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, चाहे और भी कोई अपना पार्टी हो, तो कोई भी पार्टी सरकारी पैसे से अपना काम नहीं कर सकती है। और 97 करोड़ रुपया जो मांगा गया है, वो अरविंद केजरीवाल आज सारे दुनिया में अमीर जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनमें से एक है। तो उन्होंने शराब से इतना पैसा दिल्ली और पंजाब में कमाया, तो उनको 97 करोड़ रुपये तो देना चाहिए, उस पर कोई अपना 12% के टैक्स के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से वो भी देना चाहिए। सर, आम आदमी पार्टी और भी राज्यों की सरकारों ने इस तरह से विज्ञापन दिए हैं, और दिल्ली के उपराज्यपाल राजनीतिक तौर पर इस तरह की, ऐसा कभी कोई हमारे संज्ञान में नहीं आया कि और किसी सरकारों ने अपनी पार्टी का विज्ञापन दिया है। ये केवल अरविंद केजरीवाल जी की ऐसी अपना गंदी सोच है। अगर कोई कहीं और किसी सरकार में किसी और राज्य में ऐसा हो भी रहा है, तो उनको बोलना चाहिए कि उनको भी पैसा देना चाहिए, ना कि वो अपनी बात को जस्टिफाई करें। अगर उन्होंने गलती करी है, तो दूसरे की गलती को शो करके वो अपनी गलती को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये मुझे खुशी है, क्योंकि ये 5 साल पुराना मसला है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में 2015 में गए थे, फिर हाई कोर्ट में हम लोग 10 अगस्त 2016 को हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे पटिशन के ऊपर जो कंटेंट रेगुलेशन कमेटी है उसको फैसला लेना है। लिहाजा 16 सितंबर 2016 को कंटेंट रेगुलेशन कमेटी ने मेरे पटिशन पे 17 पेज के ऑर्डर्स दिए, और ये पाया कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का पैसे का दुरुपयोग करके पूरे हिंदुस्तान में अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। उसके बाद में कंटेंट रेगुलेशन कमेटी की रिपोर्ट के बाद में दिल्ली सरकार के जो सेक्रेटरी पब्लिसिटी का है, उसने 30 मार्च 2017 को आदेश निकाले 97 करोड़ की वसूली का। 5 साल हो गए, किसी ने भी इसके लिए आगे परस्यू नहीं किया। मैंने दोबारा से एलजी को 4 अक्टूबर को लेटर लिखा और कहा कि अब ये 97 करोड़ नहीं बल्कि 675 करोड़ के करीब बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 गुना रेट जो पब्लिसिटी का रेट है, पॉलिटिकल और सरकारी रेट में 3 गुना का फर्क है। और जब इन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग अपने व्यक्तिगत राजनीतिक पब्लिसिटी के लिए दिल्ली की जनता के लिए किया, तो इनसे राजनीतिक पैसे के चार्जेस ही लिए जाने चाहिए। लिहाजा जब हम लोगों ने ये डिमांड करी, उसके बाद में अब एलजी ने आदेश करे हैं, चीफ सेक्रेटरी को कहा है इसको जांच करने के लिए। चीफ सेक्रेटरी को भी हम लिखेंगे कि एक तो इनको शो कॉज नोटिस दिया जाए, जरूर दिया जाए और इनसे पूछा जाए, और साथ में हम लोगों का जो पटिशन के जजमेंट है, फाइनल जजमेंट है, उसको देख करके डिसीजन दिया जाए। 97 करोड़ दिल्ली के कोष से, दिल्ली के एक्सचेकर से पैसा जो दिल्ली वासियों के लिए था, दिल्ली के वासियों के टैक्स से था, उसका इस्तेमाल केजरीवाल ने खुद के गुणगान के लिए पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स, सियासी इश्तिहार के तौर पर किया है। अब आप खुद ही सोचिए कि ये पैसा हम लोग क्यों दें केजरीवाल जी के महिमा मंडन के लिए। और अगर एलजी साहब ने इसके आदेश दिए हैं, तो ये फैसला और ये निर्देश आधारित है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो 2015 में दिया गया था, जिसमें बाकायदा कहा गया है कि पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग स्टेट एक्सचेकर से नहीं की जा सकती। तो मुझे लगता है ये बहुत वाजिब है, और 97 करोड़ रुपए से क्या कुछ किया जा सकता था। सोचिए, जब नए स्कूल बन सकते थे, नए कॉलेज बन सकते थे, मोहल्ला क्लिनिक के लिए कुछ किया जा सकता था, इतनी चीज़ें हो सकती थी। 97 करोड़ हमारे और आपके, दिल्ली वासियों के बाकायदा इस्तेमाल हुए हैं केजरीवाल जी के की खुद की तारीफ के लिए, गुणगान के लिए। और मुझे लगता है ये निर्देश बहुत ज़रूरी है, और ये आधारित है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देश पर जो 2015 में दिया गया था, जिसमें खास तौर से प्रतिबंध है कि जो सरकारी कोष का पैसा है, जो दिल्ली वासियों का पैसा है, उसका इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल कोई भी सरकार अपने निजी फायदे के लिए ना करे। दूसरे स्टेट्स में किया है, बिल्कुल। और ना ही सिर्फ ये ना ही सिर्फ अपनी तारीफें कि दिल्ली सरकार क्या है, बल्कि इस तरह के इश्तिहारात और स्टेट्स में भी जारी किए गए हैं, और वो सरकारी खजाने से बाकायदा लिए गए हैं, जो कि जो कोष है दिल्ली सरकार का। अब आप जानते हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं अंशु प्रकाश, उनके साथ न सिर्फ हाथापाई हुई, उनको मारा पीटा, क्योंकि वो इसी फैसले का विरोध कर रहे थे। उसको लेकर चार्जशीट भी हुई है अमानतुल्ला और एक और एमएलए प्रकाश अग्रवाल के खिलाफ। तो आप देखिए, अब बाकायदा जो निर्देश है, जो कानून है,
उसके तहत साफ तौर से एलजी ने डायरेक्ट किया है। अब इनके पास हर एक का सवाल का एक ही जवाब है, बीजेपी के एजेंट हैं एलजी साहब। देखिए, बीजेपी के एजेंट होना हो, कानून के एजेंट होना एलजी का फ़र्ज़ है। खुद अगर अरविंद केजरीवाल कोई गैर कानूनी चीज़ करेंगे और दिल्ली वासियों का पैसा, उनके टैक्स का दिया हुआ पैसा जो दिल्ली की आम जनता के लिए है, उसका पैसा खुद के महिमा मंडन में लगाएंगे तो ये उनको पैसा वापस करना होगा और उनको पैसा वापस देना होगा जल्द से जल्द। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।